तो बस पैशन के लिए वीडियो बनाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। खुद की वीडियो देख कर ही मुझे अच्छा लगता है, मुझे मतलब नहीं कोई देखे ना देखे, मैं खुद देखता हूँ, मुझे बहुत बढ़िया लगता है। हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय अनदर रिएक्शन वीडियो। अब ये चैनल मेरे हिसाब से रिएक्शन का ही रह चुका है गाइस। अब हम व्लॉग्स नहीं डाल रहे पता नहीं क्यों। एक्चुअली मेरे पास रीज़न है इसका, जो है मैं कुछ करता ही नहीं, मतलब मैं कहीं जाता नहीं, मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੋ ਗਾਇਸ ਅੱਜ ਹਮ ਆਏ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਡੀ ਅਬਦੁਲ ਕੇ ਨਿਊ ਡਿਸ ਟ੍ਰੈਕ ਪਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ੋਨ। ਆਈ ਨੋ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਗਾਲੀਓ ਸੇ ਭਰਾ ਹੁਆ ਥਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹਮਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਥਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਥੇ ਕਿ ਆਪ ਐਸੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਕਤੇ ਹੈਂ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆਪ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। डी अब्दुल का एक डिस्ट्रैक आ गया, उसे सुनते हैं, जल्दी से वीडियो का रिएक्शन देते हैं। बहुत बढ़िया एकदम, ओहो बढ़िया चकास, ओम फो। चलो भाई डिस्ट्रैक डी अब्दुल फैक्ट्स ऑन, डिस्ट्रैक का नाम है फैक्ट्स ऑन, रिएक्शन देंगे हम क्लीन और ऑनेस्ट। स्टार्ट। सच बात है, कितने लोग के पास प्रूफ था भाई, जितने भी लोग सब बात पे यकीन कर रहे थे, कुछ पता था क्या सीन है क्या मैटर है? नहीं ना, सच बात कड़वी है जैसे दवाई सारे, चाहे कम पानी ज्यादा, फैक्ट्स ऑन। वन साइड खड़ा गाने दिया मैंने काफी, अब गाली नहीं फैक्ट ज्यादा, दैट्स ऑल। सच बात कड़वी है जैसे दवाई सारे, चाहे कम पानी। देखो इसमें भी इसने मारा है, मतलब बोल रहा हूँ कि सच बात कड़वी है, मतलब गाली वाली। उसे पता है उसने गालियां बकी है तो डिस्ट्रैक्ट पे थोड़ी प्रॉब्लम हुई है उसको, तो इस वाले में गालियां नहीं है बिल्कुल भी शायद। खाना पहले वाले से बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो पहले डिस्ट्रैक्ट था उससे तो लाख गुना अच्छा है, मतलब उसमें छूटते गालियाँ थी। मैं ये नहीं कह रहा कि गाइस गालियों वाला डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए भाई, वो बेसिकली बच्चों के लिए नहीं होता है, बस बात ख़त्म। अगर वो डिस्ट्रैक्ट था मतलब उस टाइम गालियों वाली बात थी नहीं, वो ज़्यादा आई उस गाने में कोरी गालियाँ थी, बस कोरी कोरी। मैं ये नहीं, मैं कुछ नहीं बोल सकता यार,
कोई नहीं, गाने वाला बहुत अच्छा है, पहले वाले से बहुत अच्छा है। ये कंपैरिजन का था, धीरू मोंचिक वाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा था क्योंकि उसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करी हुई, मेहनत यार इसने भी करी होगी, ऐसी बात नहीं है, मैं किसी के बारे में कुछ उल्टा नहीं बोलूँगा। गाना बहुत अच्छा है, जाओ देखो और सब अपने अपने रिएक्शन दो कमेंट्स में। आपको इस गाने का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो जाके आप देखो और आप अपना रिएक्शन होगा वो मेरे कमेंट्स में आके ज़रूर देना, जो भी आपका रिएक्शन होगा। तो गाइस बहुत अच्छा है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो ख़त्म हो गई है वीडियो, सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और आपको एक बहुत बहुत ही फैक्ट बताता हूँ बस। सो गाइस, बहुत पहले की बात है, आपको पता नहीं होगा लेकिन जो ये यूट्यूब है, ये हमारे साथ एक गेम खेल रहा है, इसने एक बटन दे रखा है सब्सक्राइब नाम का, उसको आप दबाते हो तो सही में वो ग्रे कलर का हो जाता है, पता नहीं कैसे। और हाँ, उसके साथ एक बेल भी आ जाती है, उस बेल पे दबाओ तो उससे ऑल पे दबाना होता है, फिर आपके ज़िंदगी में बस। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, गाइस अच्छी नहीं लगी तो भी लाइक कर देना। देखो मैं इतनी गर्मी में, दिल्ली की गर्मी में मैं छत पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब की, और भाई बहुत ख़तरनाक गर्मी पड़ रही है। बाकी मुझे पसीना पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, शायद हवा चल रही है इसलिए, बाकी यार गर्मी तो फिर भी लगती है। तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, बाय।